सो आप गर्दन दुख रही है भाई ऊपर देखने में। कितना आ रहा हूँ वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था पूरा हो गया, हम उन्हीं के हाथ में खड़े रहकर उनके ही सपने को देख रहे हैं। तो यहाँ से दिख रहा है भाई पूरा सरदार सरोवर डैम आगे से पूरा गजब। तो चलते हैं भाई नीचे। यहाँ पे तो भाई इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो इनॉग्रेट किया गया था पूरा लिखा हुआ है, गुजरात सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था भाई, बाकी सभी के नाम है नेताओं के। सो भाई अंदर भी है पूरा, ये देखो यार ये फेस बना रखा है वल्लभ भाई पटेल जी का। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है भाई कैसे बना था क्या बना था हर चीज़, मतलब इसके बारे में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और यहाँ वल्लभ भाई पटेल जी की एक मूर्ति और बनाई गई है छोटी वाली, ये देखो अंदर कैसे क्या है ढांचा, अंदर का ढांचा कुछ इस प्रकार है भाई पूरा, ये देखो दिखा रहे हैं। सो इस साइड भाई थिएटर भी है, अरे कई चीज़ें हैं यार, हम तो सोचे होगी एंडिंग, अभी तो स्टार्टिंग है। मतलब टिकट अपने पास रखने का फ़ायदा देखो, पापा इनकी नहीं आ रहे, अपने पास रखने का फ़ायदा है ना, तो पापा इतनी इकट्ठी रखे टिकट तो इसे रुकना पड़ रहा है। हाँ जी स्कैन करोगे जस्ट सेकंड, ओके चलो। सो भाई 38 सेकंड में 45वें फ्लोर तक जाएगी भाई लिफ्ट, मतलब तगड़ी स्पीड है यार, मजा आएगा भी, एक्सपीरियंस लेते हैं कैसी है लिफ्ट है ना। अंदर आ ही गए हम, बाकी हमारी लाइन लग चुकी है सबकी, झुंड हमारा पूरा यहीं खड़ा है सारे। सो भाई लिफ्ट का एक्सपीरियंस देते हैं, 45 फ्लोर पर जाएगी 38 सेकंड में, तो पूरे टाइम वीडियो चालू रखूँगा 38 सेकंड तक, ठीक है 45वें फ्लोर के लिए। जल्दी आओ, भीड़ में गिन लेना पूरे होने चाहिए, पूरे आए नहीं आए, चलो ग्रुप पूरा होने चाहिए, चलो चलो अभी देखना 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे टाइम स्टार्ट हो गया। 4 सेकंड फ्लोर अभी हुए 20 सेकंड, 18 सेकंड बाकी अभी। ओ भाई ये देखो करेक्ट भाई करेक्ट 38 सेकंड में 45 फ्लोर में, चलो अब उतरते हैं एग्जिट करो। देखो सब मैंने आ गए 45 फ्लोर पे और यहाँ से व्यू देखिए अब कैसा है। देखो यहाँ तो भाई बहुत लोग आ रहे हैं, अरे एक साइड आ जाओ सारे यार आ जाओ। तो यहाँ से देखते हैं भाई कैसा दिख रहा है ना, यहाँ से तो बहुत तगड़ा दिखेगा यार, 45वां फ्लोर है नर्मदा। तो भाई यहाँ से नर्मदा नदी और बगल में जो सड़क जहाँ से हम आए पूरा क्या मस्त व्यू आ रहा है, और ये बस चलते हैं और सही लग रही है। तो यहाँ पे बड़ा सही बना रखा है, अरे ब्लू लाइटिंग से, अच्छा उनके लिए है व्हील चेयर के लिए, अरे मस्त लग रहा है यार देखो पूरा। यहाँ से क्या है नीचे भाई, ये देखो भाई कैसे कनेक्ट किया हुआ पूरा अंदर से है ना स्टैचू, तगड़ा बना रहे। तो उस साइड का देख लिया, इस साइड से और देख लेते हैं, तो यहाँ से गेट है आगे से वहाँ से अंदर जाएंगे। तो यहाँ से ऐसा ही यार, यहाँ से शीशा सूसा कुछ नहीं है, अबे शीशा सूसा कुछ नहीं है अभी, यहाँ से तो बंदा फ़ोन ही ले जाएगा तो कहीं नीचे ना जाए, बाकी व्यू यार गजब, अरे फ़ोन बाहर को ले जाएगा मतलब गिर गया तो पता भी नहीं लगेगा क्या। इसके ऊपर और 15 फ्लोर है 47 मीटर 147 फीट, जो एक्सेसिबल है एलएनटी के मेंटेनेंस वर्कर के लिए, अगर कोई मेंटेनेंस का काम रहता है तभी वो ऊपर जा सकते हैं, वरना उनको भी जाना अलाउड नहीं है। लिफ्ट भी आपको यहां तक ही लेके आती है, ओटिस कंपनी की लिफ्ट दी गई है, हाई स्पीड लिफ्ट है, 0 मीटर से 135 मीटर आप 38 सेकंड के अंदर आ गए, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लिफ्ट चलती है। आउटर पोर्शन जितना भी आप देख रहे हैं फीट एरिया से लेकर हेड तक
85% कॉपर, 5.5% लेड, टिन एंड जिंक का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीडाइजेशन जल्दी नहीं हो इसलिए ये मटेरियल चूज किया गया था। 6,500 से ज्यादा छोटी बड़ी प्लेटें लगाई गई हैं। हर एक प्लेट के ऊपर येलो टैग में नंबर दिए गए हैं। इन केस फ्यूचर में कोई भी प्लेट डैमेज हो जाए तो वही नंबर से दूसरी प्लेट बना सकते हैं। कोई डिजाइन डिफरेंस नहीं होगा, कोई पैचवर्क नहीं होगा। आउटर पोर्शन का टोटल वेट 1700 मैट्रिक टन जितना है। इनर पोर्शन के अंदर व्हाइट कलर का जितना भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्ट्रक्चरल स्टील लगाया गया है। 6000 मैट्रिक टन जितना स्ट्रक्चरल स्टील यूज किया गया है, जिन्होंने आउटर पोर्शन को इनर पोर्शन के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। स्टेच्यू के ऊपर 180 की स्पीड से अगर हवा आती है या फिर रिक्टर स्केल के ऊपर 6.5 का अर्थक्वेक भी आता है, तभी भी स्टेच्यू स्टेबल रहेगा। इसी प्रकार से स्टेच्यू का डिजाइन वर्क एंड कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है। 182 मीटर स्टेच्यू की हाइट इसीलिए रखी गई क्योंकि गुजरात की विधानसभा की सीटें 182 है। डॉक्टर राम वी सुथार, राम मांझी सुथार, महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले, 90 इयर्स की एज में उन्होंने स्टेच्यू डिजाइन किया था। अभी 97 इयर्स के हैं। अयोध्या के अंदर राम मंदिर डिजाइन वही कर रहे हैं। उनको पद्मश्री पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिले हैं। L&T कंपनी ने स्टेच्यू का कंस्ट्रक्शन वर्क विद इन 46 मंथ किया था, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा इतने कम टाइम में बनाई थी। यहाँ से आगे आपके राइट हैंड साइड पे जो पर्वतमाला आप देख रहे हो, सातपुरा की है, जिसके 6 किलोमीटर बाद महाराष्ट्र की बॉर्डर आएगी। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पर्वतमाला है वो विंध्याचल की है, जिसके 46 किलोमीटर बाद MP की बॉर्डर आती है। दोनों के बीच में दिया गया सरदार सरोवर डैम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रीम था। 1946 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा सोचा था, नर्मदा नदी का 90% पानी समुद्र के अंदर बह जाता है, वो बह नहीं जाए, गुजरात के हर एक छोटे बड़े विलेजेस के अंदर पानी पहुंचाया जाए, क्यों ना उसके ऊपर एक डैम बनाया जाए। वो जो उनका ड्रीम था वो कंप्लीट हुआ 17 सितंबर 2017 को। RCC से बना हुआ इंडिया का सबसे पहला डैम, वर्ल्ड का दूसरा डैम। यहाँ एकता नगर से लेकर राजस्थान के बाड़मेर तक लगभग 85,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े विलेजेस के अंदर नर्मदा नदी का पानी नर्मदा कैनाल थ्रू भेजा जाता है। वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था पूरा हो गया। हम उन्हीं के हाथ में खड़े रहकर उनके ही सपने को देख रहे हैं। यही एक मेन पर्पस है आपका यहाँ तक आने का। ये फ्रंट व्यू देखना है, पीछे बैक व्यू देखना है, वापस नीचे एग्जीबिशन में जाना है, उसके बाद उनके पीट एरिया पे जाना है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का अकेला ऐसा स्टेच्यू है जिसके अंदर आप पीट एरिया देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनर पोर्शन देख सकते हैं, छू सकते हैं। वर्ल्ड के कोई भी स्टेच्यू के अंदर ये दोनों खूबियां दी गई नहीं है। आपकी टिकट के अंदर इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर एंड डैम व्यू पॉइंट। वैली ऑफ फ्लावर के लिए बस पार्किंग से 4 नंबर स्टेशन से बस मिलेगी जो वैली ऑफ फ्लावर ड्रॉप करेगी। वहां से डैम व्यू पॉइंट आप ई रिक्शा या फिर बाईवॉक जा सकते हैं। ई रिक्शा चार्जेबल रहेगी, बाईवॉक 10 से 15 मिनट का रास्ता है। वहां बस सर्विस अवेलेबल नहीं है। स्टेच्यू रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दूसरे कोई भी अट्रैक्शन की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे हेल्प डेस्क में पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपको बता दी। अब हम चलते हैं अपना, नीचे जाते हैं क्योंकि उसके बाद हमें निकलना भी 4 बजे तक का टाइम है हमारे टिकट का। 3:30 होने बस आधा घंटा है पहुँच। तो यार ये भाई वल्लभ भाई पटेल जी के दिल के रास्ते से निकल के आया अभी हमें। हाँ भाई, वल्लभ भाई पटेल जी के दिल में से आया अभी, दिल को छू गए, टक से छू के वापिस आ गए। तो भाई ओवरऑल सब कवर कर लिया, बाकी अब चलते हैं बाहर एग्जिट की। और यहाँ स्कूल के बच्चे आ रहे हैं भाई अभी म्यूजियम घूमने पूरा है। और यहाँ पे एक मूवी लगी यार, बट इतना टाइम नहीं है अपने पास अभी मूवी देखने का पिक्चर हॉल में। चल भाई, कहाँ रह गए बंदे सारे? कहीं पता लगा मूवी देखने चले गए हम ऐसे ही। हर ग्रुप में खिंचवा रहे हैं यार। हम भी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये इसी के साथ हम कर लेते भाई एग्जिट यहाँ से। अब चलो एग्जिट बाहर, तो भी चलते हैं भाई। अपना बस यहाँ पे खड़ी है, अरे फुल हो जाएगी, लग रहा है अपने बंदों को इकट्ठा कर लो पहले, दूसरी आगे चलो उसमें चलेंगे। तो भाई अभी बसें आ रखी हैं, तो इनमें किसी में बैठ के चल देंगे अब एग्जिट की ओर। बाकी फ़ोन बिल्कुल बोल चुका है और स्पेस भी नहीं बचा, तो जितनी वीडियो बनेगी अब देखते हैं। बाकी मेन वीडियो जो थी वल्लभ भाई पटेल जी की वो बन चुकी है भाई बढ़िया से। अभी चलते हैं भाई, करते हैं प्रस्थान घर की ओर। और यहाँ पर अपनी बस खड़ी है, इसी में जाना है, बाकी थक चुके यार तगड़े वाला। तो पहुँच गए भाई कमरे पे, घूम फिर के भाई थकान हो गई बढ़िया। तो बर्थडे आज, साथ में बाहर कुछ खा के आ रहे थे सारी चिल्ड्रन पार्टी हम,
और उसका केक को कटिंग तो क्या करने का, रात को आइसक्रीम कटिंग कर ली थी, तो देखते हैं जो भी होता है। तो 2.5 किलोमीटर चल के आए पानी पूरी खाने, अभी और आइटम तो मिले नहीं। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। तो ये बड़ी दूर जाके मिली एक मोमोज की शॉप, यहाँ पे सेकंड लोकेशन अपनी। मोमोज तो बहुत बेकार थे भैया, सबने रिजेक्ट कर दिया मोमोज। कॉफी पीनी है? उमा को पीनी है कॉफी, है ना? गला सही कर ले पहले। तो आ चुके भाई अपना पिज्जा सेजवान, और टाइम भी दिखा रहा था। देख लो भाई रात के 9:45 बज रहे हो, चीज़ पिज्ज़ा खाने आ रखे हम भिन्न भिन्न प्रकार के, और यहाँ पे कुर्सी टूट गई भाई की बेचारी, क्यों खाते इतना। तो भाई हो चुके भाई अपने सस्ते टिकाऊ वाली पार्टी, अब लास्ट में आइसक्रीम खाते हुए निकलते हैं। अभी 3 किलोमीटर चलना है और वो दिक्कत है मेरे, देखते जाएंगे बातें मारते हुए। छोटा मगर रात के 11:30 और पहुँच चुके हुए कमरे पे, तो अब सो जाते हैं और करते हैं इस वीडियो का। अनुभव वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। चल ले 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 ले।